बहराइच से बहराइच के मृतक गोविंद सिंह के घर पहुंची पूनम पंडित। मटेरा थाना क्षेत्र के मोहरनिया में पहुंची पूनम पंडित वहीं मृतक गोविंद सिंह के घर घर के परिजनों से की मुलाकात। जहाँ लखीमपुर हिंसा में बहराइच के दो मृतक किसान गुरविंद सिंह के और दिलजीत सिंह के घर हर दिन किसी न किसी नेता या समाज सेवी का आना जाना जारी रहता है। आज मृतक किसान गुरविंद सिंह के घर पहुंची हरियाणा के पूनम पंडित की वहां मौजूद पुलिस वालों से हुई हल्की नोकझोंक। इसी दौरान एक पुलिस वाला पूनम पंडित के हाथ जोड़ता नजर आया। बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरनिया पहुंची पूनम पंडित वहीं मृतक गोविंद सिंह के घर। पूनम पंडित ने कहा कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए, मंत्री रहते हुए भला इंसाफ कैसे मिलेगा। ये मृतक के परिजनों से मुलाकात की बात पत्रकारों से बात करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। बड़े हैं आप, मेरे बुजुर्ग हैं, ये भाई इस काम को करके अच्छे लग रहे हैं। बताइए आप, जहाँ हम दुख में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अभी वो लड़कियाँ मुझसे बात कर रही थी, गुरविंदर भाई की बहन है, तो ये तीनों चारों जाकर के वहाँ घेरने लगे हमको। तब उस लड़के ने उनको डांटा, ये आप सीनियर हैं, इनके सीनियर हैं, ठीक है, आप तो इनको बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें थोड़ा समझाइए। हम जानते हैं कि आप पे बड़ा दबाव है सरकार का, ऐसा नहीं हम नहीं समझते हैं। हमें पता है आपको बच्चे भी पालने हैं, हमें पता है पूरा, लेकिन ऐसे ऐसे जवान लड़कों को समझाइए। गुरविंदर सिंह के घर पहुंचे, क्या कुछ कहना है आपका? बस यही कहना, भाई इन परिवार के साथ हैं और ये लोग जो है इंसाफ मांग रहे हैं इस बात के लिए कि जो मंत्री है उसके पद से इस्तीफा पार्टी से बर्खास्त करा जाए। क्योंकि कोई भी बंदा अगर पावर में होता है तो जो पीड़ित परिवार होता है उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में शंका रहती है। अब पार्टी तो ये वाली है तो अब शंका क्या, पूरा शंका मानिए ना जी जी। तो उनके वो हो जाना चाहिए यार, ये जेल चले जाए। इनका पूछताछ चल रही, इतने इतने केस है, डॉक्टर रफीक को लेकर के बंद कर दिया है जेल में, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोई सबूत नहीं क्यों करा। अब सबूत ढूंढ रहे, मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे, अनुरोध करते हैं कि सच का साथ देवें। प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं सच का साथ दो, जमीन जिंदा रखो अपना, और क्या अभी बच्चा तो आने से रहे, लेकिन उनके साथ देने चाहिए, इंसाफ तो उनको मिलना चाहिए ना, ये पंगे और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। देखिए आप, मैं समझती हूँ कि आप पे पूरा दबाव है, ऐसा नहीं समझती हूँ। जितने लोगों के घर पे मैं होकर के आई हूँ, जितनी शांति से मैं होकर के आती हूँ, कोई नहीं होकर आएगा। जा रहे शांति से आ रहे हैं, बात करते हैं। क्या आप हमारी वीडियो फोटो बनाएंगे, क्या आप हमारी वीडियो फोटो लेंगे? आप निकालिए यूट्यूब पे वीडियो फोटो, इतना ज़्यादा आपको मैं